जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के नाम तो बताओ। रोलर, बुलडोजर, क्रेन, पावर शोवल, वाइब्रेटर्स, ये सारे के सारे इसके अंदर आते। ट्रैक्टर्स, ये सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर आते। डंपर, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन में चलते हैं। दिख तो रहा है ना, विजिबिलिटी है, क्योंकि आज मैं वो पूरी पीपीटी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। प्रेजेंट करने पे ये ब्लैंक हो रहा है, इसलिए ठीक है ना। तो ये देखो, अब इंट्रोडक्शन चालू करते हैं इसका, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट का। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट इन अ कंस्ट्रक्शन मस्ट विग्रसली परस्यू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अगर ढंग से प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो कैसे यूज करोगे लेबर को, मटेरियल को और इक्विपमेंट को। द यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड इनोवेटिव मेथड हैज बीन पॉसिबली होलसेल चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन रिसेंट डिकेड्स। द सेलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइप एंड साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफ्टन अफेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड दस द जॉब साइट प्रोडक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर द साइट मैनेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्लानर टू बी फेमिलियर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर टाइप ऑफ इक्विपमेंट मोस्ट कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये इसका इंट्रोडक्शन था कि अपन को कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट कहाँ पर है और कहाँ पर कॉमनली यूज हो रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। कि अपन अगर बुलडोजर आ गया तो बुलडोजर का यूज कैसे होगा, वो कहाँ पर क्या काम आएगा, तो वो सब कुछ पता होना चाहिए गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर है एडवांटेजेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एनीवन, मुझे कोई भी एडवांटेजेस बता सकता है? माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं बोलता रहूंगा तुम सुनते रहोगे, राम कथा नहीं चल रही है। जल्दी से आंसर दो। कैसे बुलडोजर के एडवांटेज दे रहे सर? किसी के भी दो, कोई भी, अगर एक इक्विपमेंट लो ना, उसका मुझे एडवांटेजेस बताओ, उसके एडवांटेजेस क्या है। फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, तुम लोगों को पूरा इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि इक्विपमेंट क्यों जरूरी होता है। जल्दी से बताओ, कोई भी एक इक्विपमेंट लो, उसका एडवांटेज बताओ मुझे। वो खाड़ा खोदने वाली मशीन लेते हैं सर। खाड़ा हाँ, वो अगर क्या उसका नाम बता। नाम तो नहीं जेसीबी, याद है सर। जेसीबी, जेसीबी आकार नहीं, वो आपका देखो शहादत आपने तो, होती है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है और तू ये बोल रहा है खाटे खोदने वाली मशीन। अरे जेसीबी बोलते हैं। अब मैं बात सुन, अगर खुदाई मजदूरों द्वारा की जाए और जेसीबी के द्वारा की जाए तो फायदा किसमें होगा? जेसीबी द्वारा जेसीबी जेसीबी द्वारा क्यों, काम फास्ट होगा? जी सर, बिल्कुल समय अब की मेरी बचत बात होगी। सुन। सर मेरे हाँ एडवांटेज सुनो आप, पहले समय हाँ पहले बोल। की बचत होगी, ठीक हाँ है, और कम समय में ज्यादा काम होगा, ठीक हाँ है, लागत भी कम आएगी। जहाँ हाँ 4-5 मजदूरों को लगाया जाए, वहाँ एक जेसीबी लगा जाए तो वो कम समय में बहुत लागत के साथ काम करेगा, हाँ ठीक है। तो ज्यादा खड्डा खोदने के लिए और डीपली जाना पड़ता है मजदूरों को, वो बाहर बैठे बैठे सब कुछ कर देता है। ये हो गया इसके एडवांटेज। हाँ आप एक देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एकदम तेरा करेक्ट था जो भी था। अब मैं बात सुनो, अपन चवाड़िया लाते हैं, पहले चवाड़िया लाते थे पता है, पत्थर ऊपर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, अब क्रेन आती है सर छेड़ा छेड़ाने अब के लिए क्रेन ऊपर। आती है, अब मुझे क्रेन की रेट बताना जल्दी से। 1,000 रुपये पर घंटा। 1,000 रुपए पर घंटा, और चवाड़ी का पूरा दिन का काम 1 घंटे में वो करके चली जाएगी। चवाड़ी पूरे दिन में जो काम करेंगे ना, वो 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्रेन काम कर देगी।
सर चौड़े की जिंदगी आदी होती है सर, ये खराब कर लेते हैं पर, नहीं वो चीज देख, वो देख वो अलग चीज है, वो उनके हेल्थ इशू है। अब मैं तुम्हें रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। एक तो वो पूरा दिन काम करते हैं, उतना काम कर पाएगा और क्रेन 1 घंटे में कर लेगी। दूसरा है क्रेन की कॉस्टिंग आती है 1000 रुपए चवाड़ी, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए लेके चले जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर वो वाली चीज है कि उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं हो पाएगी जितनी क्रेन की होती है। उसके अंदर चवाड़ियों में इंजरी के चांसेस रहेंगे, क्रेन के अंदर ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब ये वाली एग्जाम्पल ये वाला तुम लोग देख लो कि इसलिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ज्यादा चलन में आए। अब जैसे रोड का है, बार क्या होती है, रोड के लिए भी अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। अपने यहाँ पर इंडिया में अभी वो वाला चलन है नहीं, तो इंडिया में रोड क्या है बहुत स्लो वर्क करती है। जो हाईवे अपने क्या बोलते हैं, ये जो हाईकोर्ट वाला हाईवे है, जो नई हाईकोर्ट वाला हाईवे, इतने टाइम से बन रहा है, करीब करीब 2 साल होने वाला है इसको, अभी तक पूरा हो ही नहीं पाया है, ठीक है ना। पर अगर बाहर फॉरेन की बात करें तो वहां पर इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट से काम फास्ट हो जाएगा और विद एक्यूरेसी के साथ काम होगा। आगे समझ में? अब मैं तुम लोगों को जो एडवांटेजेस बुक में दिए हुए हैं या नोट्स में दिए हुए, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ आउटपुट थ्रू वर्क प्रोग्रेस विद द बेस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट मेथड। जो तुमने बोला था आकाश, जल्दी काम होगा और इफेक्टिव और इफिशियंट मेथड से होगा। रिड्यूस द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, होगा या नहीं होगा? जो मैंने बोला था, अच्छा एक दिन का काम का चवड़िया कितना ले जाएंगे और क्रेन कितना होगा। थर्ड है कैरी आउट एक्टिविटी विच कैन नॉट बी डन मैन्युअली और टू डू मोर इकोनॉमिकली मच फास्टर, एलिमिनेट द हैवी मैनुअल वर्क बाय ह्यूमन, दस रिड्यूसिंग। Eliminate the heavy manual work by the human, thus reduces fatigue and eliminate various other hazards and health issue। जो मैंने अभी बोला, देखो अगर आदमी काम करेगा other chances होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली वाली चीज समझ में आ गई। फिफ्थ है मेंटेन द प्लांट रेट ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। सिक्स्थ है मेंटेन द हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ्टन रिक्वायर्ड बाय प्रेजेंट डे डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। अब एडवांटेजेस सबको समझ में आ गया? ये किसका नाम है, चिकू नातुर? ये किसका नाम है? नाम सही होगा तो अलाउ करूंगा, ठीक है। फिर है फैक्टर बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। पहला है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, दूसरा है कंपनी स्पेसिफिक, फिर है साइट स्पेसिफिक, फिर है इक्विपमेंट स्पेसिफिक, फिर ए क्लाइंट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक, और सारे फैक्टर्स होंगे अपन को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को सिलेक्शन के लिए कि कहां पर कौन सा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। आगे समझ में? या कंपनी स्पेसिफिक क्या, कंपनी स्पेसिफिक में क्या होता है? देख जहां पर कंपनी में, मतलब वहां पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी ने कौन सा इक्विपमेंट के लिए बोला है, कंपनी को कितने आउटपुट चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। आगे समझ में? कंपनी को उस समय उस इक्विपमेंट की जरूरत है या नहीं है। देख अगर बुलडोजर की जरूरत है, अपन ने क्रेन लाके रख दिया, तो फिर क्या होगा? बात ये वाली है, कंपनी स्पेसिफिक का मतलब ही, और आगे एक्सप्लेन भी हो जाएगा। आगे समझ में? यस सर। अब आगे मूव करते हैं अपन। सबसे पहले इकोनॉमिक कंसिडरेशन,
इकोनॉमिक कंसिडरेशन बताए, द इकोनॉमिक कंसिडरेशन सच एज ओनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लेबर कॉस्ट, ऑपरेटिंग फ्यूल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर लेबर में बात सुनो, अगर लेबर की कॉस्ट सस्ते बढ़ रही है और इक्विपमेंट के कॉस्ट महंगी बढ़ रही है एज कम्पेयर टू लेबर, ये होगा नहीं। वैसे अगर किसी कंडीशन में हो जाए तो फायदा किसमें, लेबर को सिलेक्ट करने में ना। तो अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या आ रही है और लेबर की कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है ना। उस हिसाब से अपन को इक्विपमेंट का चयन करना है। बिसाइड द रीसेल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड द सेल्वेज वैल्यू एसोसिएटेड विद इक्विपमेंट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये आ गया इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये सारे इसके अंदर इकोनॉमिक कंसिडरेशन रहेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कंपनी स्पेसिफिक। आप देखो कंपनी स्पेसिफिक क्या है, पढ़ो एक बार फिर मैं समझाता हूं जो तू पूछ रहा था। देख आकाश मैंने बोला था वही है ना इसके अंदर, पढ़। अब देख ले, अगर कंपनी का एक मैंने टर्म एक और नहीं बोली जो बता देता हूँ इसके अंदर। देखो लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म बेनिफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के ऊपर करना है, ठीक है ना। और रेंट कब लेना है, रेंट जब लेना है जब अपन को छोटा सा काम हो, जब अपन रेंटिंग कर सकते हैं। आ गया समझ में, ये कंपनी स्पेसिफिक के अंदर है। खरीदना उसी समय है जब इक्विपमेंट अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए काम आए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर काम आता है तो किराए पे ले लो, फायदे में ज्यादा रहोगे, ठीक है ना। फिर है साइट स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक पढ़ो मैं समझा रहा हूं फिर। अब देखो साइट स्पेसिफिक लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज होती है कि उसके क्लाइमेटिक कंडीशन और ग्राउंड कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब देखो रेतीला एरिया होगा ना तो अपन को जो टैंक आते हैं ना, टैंक वाले व्हील्स जैसे अपने पास इक्विपमेंट होने चाहिए। क्रेन इस टाइप की भी आती है और जेसीबी इस टाइप की भी आती है, ठीक है ना। उसे पावर शोवल भी बोल सकते हैं। और दूसरा अगर अपने पास रोड अच्छा एरिया है तो अपने पास मूविंग टायर्स आएंगे ना, वो भी चलेगा। ये यहाँ तक आ गया समझ में तुम लोगों को, साइट स्पेसिफिक क्या होगा, साइट की कंडीशंस के हिसाब से इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना। फिर है इक्विपमेंट स्पेसिफिक। अब इक्विपमेंट स्पेसिफिक केवल इतना सा समझ लो कि जहां पर कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर क्या काम आने वाला है, कितनी रेट में है, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। Construction equipments come with a high price tag. While it may be tempting to go for the equipment with low initial price, it is preferable to opt standard equipment. Such equipment are manufactured in large number by the manufacturer and their spare parts are easily available, which would ensure minimum downtime. Besides, they can also fetch good salvage money at the time of their disposal. मतलब देखो एक चीज बताता हूँ, BMW खरीदी या मारुति खरीदी, फायदा मारुति खरीदने में है नॉर्मल पर्सन के लिए, क्योंकि मारुति के इक्विपमेंट हर जगह अवेलेबल होते हैं। आगे समझ में, मारुति की रीसेल वैल्यू भी बहुत जोरदार होगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी एज कंपेयर टू BMW, ठीक है ना। तो इस इक्विपमेंट स्पेसिफिक का मतलब ये वाली चीज हो गई, क्या ऐसे चीजें खरीदो जिसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम और अपने के पास क्या हो, उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो और जब बेचने की बारी आए तो उसका अच्छा खासा पैसा मिल जाए अपन को। आ गया समझ में ये वाला इक्विपमेंट स्पेसिफिक क्या होता है।
ये चीकू माथुर कौन है जल्दी बताओ मुझे। पता नहीं सर। तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मैसेज करें कि वो वाला जिसका भी मतलब तुम्हारा फ्रेंड हो तो मुझे बता देना उसका नाम क्या है, एडमिट करो। जब मैं एडमिट करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा उसको। कौन कौन है सर ये? पता नहीं कौन है इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर ये कि क्लास में चलते तो मैं खिलवाड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर। लो अब जल्दी से आगे विनोद बढ़ते हैं अपन। क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। है सर, विनोद। ओ मैं समझ गया, तो छोड़ दे अब। क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। द ओनर क्लाइंट इज इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट मे हैव सर्टेन प्रिफरेंस दैट आर नॉट इन अ लाइन विद कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रिफर्ड पॉलिसी एज फार एज इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न्ड। द शेड्यूल क्वांटिटी सेफ्टी रिक्वायरमेंट डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मे इन सम केसेस फोर्सेस द कंपनी टू हील्ड टू द डिमांड ऑफ द क्लाइंट। अगर मैं बात सुनो इसके मतलब सिंपल सीधा सा है, अपन को काम तेज चाहिए, क्लाइंट को काम फास्ट चाहिए, तो अपन को जल्दी जल्दी इक्विपमेंट्स लगा के काम फास्ट करना पड़ेगा। अपन ये नहीं सोच सकते कि अपन को वर्क किस तरह से करना है। आ गया समझ में? जब क्लाइंट की डिमांड होगी, क्लाइंट की डिमांड को फुलफिल करना कॉन्ट्रैक्टर या उसके सबसे पहले बात कॉन्ट्रैक्टर के पहला रिक्वायरमेंट होगा, नहीं तो उसकी कॉन्ट्रैक्टर की पैठ खराब हो जाएगी। सीधी बात यह है। तो क्लाइंट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा क्लाइंट और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी पहले मतलब कंपनी की पॉलिसीज को प्रिफर किया जाएगा, ये याद रखना। इक्विपमेंट सिलेक्शन के ये नहीं है कि चाहिए भैया वहां पर क्या बोलते, मतलब ढंग से अपन को अगर वाइब्रेटर की जरूरत है वह टेम्पटिंग रोड लेके बैठ गए फालतू का वाइब्रेटिंग के लिए, तो वो काम नहीं आएगा, ये याद रखना। पता है ना वाइब्रेटर दो तरह से होता है, एक हैंड से होता है टेम्पटिंग रोड से, कंक्रीट के अंदर पड़ा होगा तुम लोगों ने जब क्यूब बनाए होंगे तो टेम्पटिंग रोड से की थी या वाइब्रेटिंग मशीन पे की थी सर हाथों से की थी सर, है? हाथों से की थी। अरे हाथों से क्या, टेंटिंग रॉड से वाइब्रेटिंग होती है और उससे होती है एक तो वाइब्रेटिंग मशीन से। हाथों वो खराब पड़ी थी से मेरी क्या तो। उसको हिलाया था क्या हाथों से? हाँ सर, खराब पड़ी थी सर। क्या बात कर रहे है? अरे टेंटिंग रॉड खराब नहीं होती, टेंटिंग रॉड तो एक लोहे की रॉड होती है, कहां से खराब होगी? अरे अरे वाइब्रेटर का बोला सर आप मैंने। रोड से गया, रोड से गया था हाँ ये तो पूछ वाइब्रेटर रहा हूँ मैं, फिर का वही बोला तो सर। पूछ रहा हूँ। अब देखो फिर है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक्स। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक्स? जल्दी बताओ। मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग मटेरियल लेने जाते हो तो अपने जान पहचान की दुकान होगी तो जान पहचान की दुकान पे जाओगे जाओगे ना? या कोई भी इक्विपमेंट खरीदने जाना है अपन कहीं ना कहीं जान पहचान निकाल के जाते हैं। अगर गाड़ी भी खरीदनी है तो यार वहां पर जान पहचान निकाल के जाते हैं, पहले जान पहचान निकालते फिर देखते नहीं है तो फिर जाके कुछ अपन पता लगा के खरीदते हैं। होता है या नहीं होता है? यस सर। आ गया। तो इसीलिए अपन क्या है कि पहले कंपनी की मतलब उससे जिससे खरीद रहे हो ना मटेरियल बार बार उसी से खरीदना पसंद करोगे, और उससे इसलिए करोगे क्योंकि उससे अपने पास एक तरह से ट्रस्ट हो गया है, याद रखना। इसलिए कंपनी उसी से खरीदना पसंद करेगी जिससे वो रेगुलर चीजें खरीदती है। ये होता है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक्स। आखिरी है अपने पास लेबर कंसिडरेशन।
shortage of manpower in some situation may lead to a decision in favor of procuring equipment that is highly automatic. Further, the selection of equipment may be governed by the availability or non-availability of trained manpower. आ गया समझ में इसका या नहीं आया? अपन को हमेशा ये वाला लेबर का कंसंट्रेशन ये ध्यान रखना चाहिए कि लेबर को ज्यादा से ज्यादा अपन को एक तो कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना है, दूसरा है उसको अपने पास क्या बोलते हैं एक तरह से स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करना है, और ऐसे ऐसे ही अगर उठाना है तो ऐसे स्किल्ड लेबर उठाओ कि ज्यादा से ज्यादा अपन को फायदा पहुंचा सके। ये तो आज की क्लास, ठीक है ना? मैं अब अटेंडेंस ले रहा हूँ तो बता देना मुझे। थैंक यू सर। एक मिनट रुक जाओ, शांति रखना। और अटेंडेंस मैं एब्सेंटीज का नाम बोलूंगा बार बार, देख आकाश बोलने की जरूरत नहीं, केवल पहले प्रेजेंट के नाम लगाने थे फिर मैं बता दूंगा। सर कहाँ गए? अरे लगा रहा हूँ, रुक जा। बोलते रहा करो सर, जिम हो रहे हैं।